आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा, GSTR 1, GSTR 3B, ITC लेने का तरीका सब कुछ बदलने वाला है। सर क्या बात कर रहे हो, मैं ये बात बिल्कुल सही कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे अभी 3 सितंबर को एक एडवाइजरी आई है और उस एडवाइजरी ने सबको हिलाकर रख दिया। सर क्या है उस एडवाइजरी में, उन्होंने क्या बोला है भाई, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम लागू कर रहा है GST पोर्टल, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। सर ये इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम है क्या, जरा इसके बारे में बता दो। जरा इसे अगर हम ध्यान से पढ़ें तो ये इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम क्या कह रहा है कि भैया तुम लोगों को ना ITC लेने में बड़ी दिक्कत होती थी, आपको बड़ी समस्या होती थी कि सप्लायर ने बिल डाल दिया, ठीक है ना, अब वो अमेंड कर रहा है उसका ITC कैसे ले कैसे ना ले, किस इनवॉइस को पेंडिंग रखे। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा है कि जिससे कि आप लोग अपना ITC करेक्ट तरीके से ले सके, उन्होंने एक प्रोसेस डेवलप करा है और ये न्यू फंक्शनैलिटी है। सर क्या ये मैंडेटरी है, नहीं ये मैंडेटरी नहीं है, ये पहली चीज, ये वाली जो फंक्शनैलिटी है ये ऑप्शनल है, और उसे क्या बोला जा रहा है, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। इसे फायदा किससे होगा, रिसीपिएंट को फायदा होगा। रिसीपिएंट क्या कर पाएगा, अलाउ द रिसीपिएंट टैक्सपेयर टू आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट। अब यहां पर क्या होगा कि जैसे कि मैंने माल परचेज करा रामलाल से, तो अगर उसने मेरा बिल बिल्कुल ठीक चढ़ाया होगा तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा, अगर वो मेरा बिल गलत चढ़ा रहा है तो मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं रामलाल को बोलूंगा भाई इस वाले बिल को ठीक कर दे, ठीक है, मैं इसे रिजेक्ट कर रहा हूं या मैं इस बिल को पेंडिंग छोड़ रहा हूं, लेकिन मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा जिससे कि मेरा ITC गलत नहीं होगा। तो इस बात को समझो, यहां पर रिसीपिएंट को एक फैसिलिटी दे दी जाएगी, या तो तुम इसे एक्सेप्ट कर लो, या आप इसे रिजेक्ट कर लो, या इसे पेंडिंग रख सकते हो, ठीक है ना, इसे क्या कर सकते हो, पेंडिंग रख सकते हो और बाद में ले सकते हो। सर पेंडिंग किसकी केस में रखेंगे, लेट सपोज करो मैंने अपना माल परचेज करा 31 अगस्त में, कहां से, गुवाहाटी से, और वो माल मेरे पास आया 3 सितंबर को, तो क्या होगा, मेरे सप्लायर ने बिल डाल दिया होगा अगस्त में, लेकिन मेरी सेक्शन 16 की कंडीशन कब सेटिस्फाई हो रही है, सितंबर में, तो क्या मैं उसका ITC ले सकता हूँ, आंसर इज नो। तो जब मैं उसका ITC नहीं ले सकता तो मैं उस वाले बिल को किस में डाल दूंगा, ठीक है ना, उस वाले बिल को किस में डाल दूंगा, मैं उस वाले बिल को डाल दूंगा पेंडिंग में, कि भाई इसे बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर जो भी एक्सेप्टेड इनवॉइस होंगे, ठीक है ना, वो मेरे 2B का पार्ट बन जाएंगे, वो मेरा एलिजिबल ITC बन जाएंगे। तो पोर्टल पे ये चीज़ आपको कैसे दिखाई देगी, ये पोर्टल पर ये वाली चीज़ आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी कि भाई आपके सप्लायर के GSTN नंबर है, इन्होंने ये वाले बिल आपको दे दिए, अब आप बताओ इसे एक्सेप्ट रखना चाहते हो या नहीं। तो अगर आप इसे एक्सेप्ट कर लोगे तो ये आपके 2B का पार्ट बन जाएंगे। इसके अलावा ये क्या कहता है, द रिसीपिएंट कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट एन इनवॉइस और कैन सिंपली कीप इट पेंडिंग, ये मैंने आपको बताई दिया। दीज एक्शन कैन बी टेकन फ्रॉम द टाइम ऑफ सेविंग ऑफ GSTR 1 IFF 1A बाय द सप्लायर। तो यहां पर जैसे ही वो सप्लायर हमारा GSTR 1 को सेव कर रहा होगा, IFF डाल रहा होगा, 1A कर रहा होगा, उसके बाद हम इसे एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं, अगर रिसीपिएंट कोई एक्शन ना ले। अब आप कहोगे सर हमारे को तो इतने पैसे नहीं मिल रहे अपने क्लाइंट से कि हम इसे बार बार चेक करें एक्सेप्ट करें, तो अगर रिसीपिएंट कोई एक्शन नहीं लेता है तो वो एक्सेप्टेड माने जाएंगे, वो डीम्ड एक्सेप्टेड माने जाएंगे और वो अपने आप 2B में आ जाएंगे। तो यहां पर आप समझ लेना कि ये कोई मैंडेटरी एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन अगर आपको अपने क्लाइंट का सही से काम करना है तो आप इस फंक्शनैलिटी का फायदा उठा सकते हो, अदरवाइज आप क्या कर दोगे कि आप कुछ भी मत करोगे तो आपके वो डीम्ड एक्सेप्टेड मान लिए जाएंगे, ये वाली बात इसमें लिखी है। इन केस सप्लायर अमेंड द डिटेल ऑफ सेव्ड इनवॉइस, ठीक है ना, बिफोर फाइलिंग द GSTR 1। तो अगर मान लो सप्लायर ने पहले एक इनवॉइस डाला था 1 लाख रुपए का, तुमने उसे एक्सेप्ट कर लिया, बाद में सप्लायर ने उसे चेंज कर दिया 1.5 लाख रुपए का, तो यहां पर, ठीक है ना, यहां पर क्या लिखा है, अमेंडेड इनवॉइस विल रिप्लेस द ओरिजिनल इनवॉइस।
तो अमेंडेड जो इनवॉइस होगा वो ओरिजिनल इनवॉइस को रिप्लेस कर देगा, उसमें वैल्यू 1.5 लाख आ जाएगी इरिस्पेक्टिव ऑफ द एक्शन टेकन बाय द रिसीपेंट ऑन द ओरिजिनल इनवॉइस। ओरिजिनल इनवॉइस पर रिसीपेंट ने क्या एक्शन लिया हमें उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। इन केस सप्लायर हैज अमेंडेड एनी इनवॉइस फाइल्ड इन GSTR 1 थ्रू GSTR 1A देन सेम विल ऑल्सो फ्लो टू IMS। तो यहां पर क्या होगा कि अगर ठीक है ना सप्लायर ने 1A के अंदर कोई इनवॉइस को अमेंड कर दिया, अगर 1A के अंदर कोई इनवॉइस को अमेंड कर दिया तो वो वाला इनवॉइस भी अमेंड हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन सर क्या उसका ITC हमें उसी मंथ में मिल जाएगा? नहीं, उसका ITC आपको मिलेगा नेक्स्ट मंथ में। तो यहां पर इन्होंने इस चीज को भी लिखा हुआ है। तो ये जो फैसिलिटी है IMS की ये बड़ी जरूरी है, ठीक है, आप लोगों को काम करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर कितनी तरह के एक्शन आप ले सकते हो, पहला है नो एक्शन टेकन कि भाई आपको कुछ नहीं लेना है एक्शन, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली 2B में जाएगा। एक आ जाएगा एक्सेप्टेड, एक आ जाएगा रिजेक्टेड और चौथा आ जाएगा पेंडिंग, ठीक है ना। तो जो रिजेक्टेड होंगे दीज रिकॉर्ड्स विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो जब वो रिजेक्ट अगर आपने किसी इनवॉइस को रिजेक्ट कर दिया तो वो 2B जनरेशन के अंदर कंसीडर नहीं किए जाएंगे, ठीक है, आपके वहाँ पर ITC में वो नहीं फ्लो होगा। एक्सेप्टेड ये 2B के अंदर आ जाएंगे, पेंडिंग ये भी 2B के अंदर नहीं आएंगे। तो लोगों को बहुत दिक्कत थी, सर मेरे 2B में ITC आ रहा है लेकिन मैं इसके लिए एलिजिबल ही नहीं हूँ अभी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने आपकी समस्या का समाधान कर दिया है। तो आपका अगर आप QRMP टैक्स पेयर हो तो भैया वहाँ पर जो मंथ 1 है और मंथ 2 है, ठीक है, उसके अंदर तो आपको दिक्कत आएगी, ठीक है ना, वो आपका क्वार्टर एंड पर ही होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2B विल नॉट बी जनरेटेड M1 और M2, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर ही होगा। अब ये कह रहा है IMS का फ्लो कैसे चलेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर रिसीपियंट को ये एक्शन लेने एक्सेप्ट रिजेक्ट पेंडिंग जो मैंने आपको ऊपर बताया है, और आप अगर चाहो तो छोड़ सकते हो। तो यहाँ पर एक इस तरह से टेबल आ जाएगी और टेबल में बता दिया जाएगा कि भाई तुमने कितने इनवॉइसेस पर एक्शन लिया, कितने आपने एक्सेप्ट करे, कितने आपने रिजेक्ट करे और कितने पेंडिंग आपके रह गए। ये सारी की सारी चीज़ें आपको इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर दिख जाएगी। सर क्या ये वाली फैसिलिटी इसी बार से अप्लाई हो जाएगी? नहीं भाई, अभी क्या है 9 तारीख को, अभी 9 तारीख को GST काउंसिल की मीटिंग है। तो 9 तारीख के GST काउंसिल की मीटिंग के अंदर, ठीक है, इसे डिसाइड किया जाएगा और हो सकता है ये वाली सारी चीज़ें रूल्स में आ जाएं। तो भैया जब ये सारी चीज़ें रूल्स में आ जाएंगी, ठीक है ना, हम इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी बना देंगे और अपनी मैगजीन में उसे कवर अप कर देंगे। लेकिन आपको GST पोर्टल पर क्या चेंज हो रहा है, ठीक है ना, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्या नई चीज़ें आ रही है वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसलिए हमने की पॉइंट जो IMS के हैं कि क्या क्या रहेगा वो सारी की सारी चीज़ें हमने आपको बता दी, ठीक है ना। यहाँ पर इन्होंने सिंपल बोला है कि भाई अगर किसी ने फॉलोइंग सप्लाईज विल नॉट गो टू द IMS, मतलब ये कह रहा है ये वाली सप्लाई, ठीक है ना, IMS में नहीं जाएगी। कौन कौन सी? इनवर्ड RCM सप्लाई, ठीक है ना, वेयर सप्लायर हैज रिपोर्टेड इन टेबल 4B और GSTR 1 सप्लाई वेयर ITC इज नॉट एलिजिबल ड्यू टू सेक्शन 16(4), ठीक है, या प्लेस ऑफ सप्लाई के रूल के हिसाब से। तो भैया जब हमारे को उसका ITC मिलना ही नहीं है, ठीक है ना, 16(4) के हिसाब से या प्लेस ऑफ सप्लाई के रूल्स के हिसाब से, तो वो हमारे बिल IMS के अंदर नहीं जाएंगे। तो ये IMS को लेकर, ठीक है ना, ये IMS को लेकर, ठीक है ना, बड़ी अपडेट आपके पास आई है। तो एक बार इसे पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि भैया इट इज़ मैंडेटरी टू रिकम्प्यूट। तो आपका GSTR 2 भी क्या होगा, रिकम्प्यूट होगा IMS डेटाबेस से इन केस ऑफ एनी चेंज इन एक्शन ऑलरेडी टेकन ऑन कंसर्न रिकॉर्ड और एनी एक्शन टेकन इन आफ्टर 14th। तो 14 तारीख के बाद जो आप एक्शन लोगे उससे आपका 2B क्या हो जाएगा, दोबारा से रिकम्प्यूट हो जाएगा। अब देखना यह है कि भैया ये वाला जो, ठीक है ना, ये वाला जो रूल है IMS वाला, ये हम जैसे यूजर्स को फायदा देगा या नुकसान? सर ये फैसिलिटी हमें कहाँ पढ़ने को मिल सकती है? अगर आपने हमारी मैगजीन लोगे तो मैगजीन के अंदर हम आपको दे ही देंगे बिल्कुल, और अदरवाइज आप यहाँ पर जा सकते हैं इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम पे और यहाँ पर जाकर इसे चेक कर सकते हैं। तो सर ये वाली जो फैसिलिटी है कब से अप्लाई होगी? भैया ये 1 अक्टूबर से होगी। कब से होगी? 1 अक्टूबर से। लेकिन 1 अक्टूबर को क्या आएगा आपको पहले से पता होना चाहिए। सर एक एडवाइजरी और आई है। हाँ जी, एक एडवाइजरी और आई है। इसमें क्या है, जो 2.5 लाख रुपए से
₹1,00,000 वाली बात थी, तो गवर्नमेंट ने कहा भैया अभी ऐसा करो, पोर्टल इतना सॉलिड नहीं हुआ इस मंथ से, तो अभी आपका जो 2,50,000 वाला कंसेप्ट है वही चलाओ, 1,00,000 वाला मत चलाओ, ठीक है ना। हालांकि नोटिफिकेशन नंबर 12/2024 ने 10 जुलाई 2024 को जो आई थी उसने ये कह दिया था, ठीक है कि भाई आपको अब आपको 1,00,000 से ऊपर के इनवॉइस B2C में डालने, लेकिन अब इन्होंने ये कल रात को ही एडवाइजरी जारी करके कह दिया कि नहीं भैया अभी 1,00,000 वाले नहीं, आपको 2,50,000 वाले डालने। ये वाली चीज़ भी हमने मैगजीन में डाल दी है। सर ये मैगजीन हमें कब तक मिल जाएगी? भैया ये मैगजीन आज या कल में फाइनल हो जाएगी और इसके बाद हम प्रिंटिंग पे भेज देंगे और आपको मिल जाएगी। सर इस मैगजीन का क्या कंटेंट है ये देख लो, इस मैगजीन में जितनी भी अपडेट्स थी वो है, जो टैक्स ऑडिट पर FAQs है वो हमने इसके अंदर डाल दिए। तो अगर किसी व्यक्ति को ये सब्सक्राइब करनी है इस नंबर पर व्हाट्सअप करो, और सब्सक्राइब कर लो। अगर किसी को सैंपल कॉपी चाहिए किसी पुरानी मैगजीन की तो यहाँ से आपको सैंपल कॉपी भी मिल जाएगी। चलिए तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है ना, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए। अगली वीडियोज़ में इसके ऊपर एक FAQs बना देंगे IMS के अंदर, क्योंकि अभी तो क्या हुआ है, अभी तो सिर्फ एडवाइजरी आई है, तो अभी 9 तारीख को होगा क्या इसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन वगैरह आ सकती है, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी तो सिर्फ मैंने आपको बताया है कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो ऐसा बताया क्यों है, जिससे आप अपने क्लाइंट को बता सको कि भैया अगले महीने से काम बढ़ने वाला है तो हमारी फ़ीस भी बढ़ा दो, ठीक है ना, इसलिए मैंने तुम्हें ये बताया। तो अभी सिर्फ आपको इतनी नॉलेज रखनी है कि ऐसा कोई सिस्टम आने वाला है और आपको मेंटली फिजिकली और फाइनेंशियली अपने क्लाइंट को तैयार करना है, ठीक है जी। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।